भाई दूज का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। इस दिन बहन भाई को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है और बड़े स्नेह के साथ उसको भोजन भी करवाती है। बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है और भाई बहन को उपहार देता है। सनातन काल से चली आ रही इस परंपरा का निर्वाह आज भी संस्कारों के साथ किया जा रहा है। मान्यता है कि भाई दूज पर्व को मनाने के लिए भाई बहन दोनों को आरोग्य, लंबी आयु और धन धान की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे कथा क्या है। भाई दूज की कथा सूर्यदेव और छाया के पुत्र पुत्री यमराज तथा यमुना से संबंधित है। बहन यमुना अक्सर अपने भाई से इसलिए बस यह निवेदन करती है कि वह उनके घर पधारें और भोजन ग्रहण करें, परंतु यमराज अपना व्यस्तता के चलते बहन की बात को टाल देते थे और उनके यहाँ पर भोजन करने नहीं जा पाते थे। एक दिन यमराज अचानक बहन यमुना के घर पर पहुँच गए। वह दिन कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का था। बहन यमुना अपने द्वार पर भाई यमराज को खड़ा देखकर बहुत खुश हुई और भाई को आदर सत्कार करके स्वादिष्ट भोजन बनाकर परोसा। बहन यमुना के स्नेह और समर्पण से खुश होकर यमदेव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने कहा कि आप हर साल इस दिन मेरे यहाँ पर भोजन करने के लिए आया करें और इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक कर भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। बहन यमुना को तथास्तु कहकर भाई यमराज यमलोक को प्रस्थान कर गए। तब से यह दिन भाई दूज के नाम से जाना जाने लगा और इस दिन जो भाई श्रद्धा भाव से बहन के निमंत्रण को स्वीकार करता है उस भाई और उसकी बहन दोनों को यमदेव का भय नहीं रहता।